पिछले एक महीने से इस रूम में लॉकडाउन के मैं कर क्या रहा हूँ, आओ दिखाता हूँ। तो आज मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट एक महीना पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है सुबह उठ के अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। और उसके बाद में मेरा काम होता है एक अच्छी सी हेल्थी डाइट लेना, ब्रेकफास्ट करना और दवाई लेना। उसके बाद में सबसे पहले मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करता हूँ, उनसे हालचाल पूछता हूँ, रॉक्सी चीनी कोको के सबके। फिर मेरा रूम पूरा सैनिटाइज होता है बहुत अच्छे से, जिसमें मेरी मम्मी हेल्प करती हैं। इतनी देर में जल्दी से मैं फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ सारे। फिर उसके बाद अपनी दवाई हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई 6 लीटर प्लस पानी पीना, इसे पीने में हवा खराब हो जाती है। फिर उसके बाद PS4 पे थोड़ा गेम खेल लेता हूँ अगर बोर होता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ भाई, हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान ने लाइफ में जहाँ पे सीखना बंद कर दिया, नॉलेज गेन करना बंद कर दिया, वहाँ उसकी लाइफ रुक जाती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे लिए। फिर उसके बाद इवनिंग में मैं भाई स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है, मुझे बहुत अच्छी आती है सब देख के। फिर थोड़ा बहुत कुछ भी बिस्किट वगैरह खाने के बाद में, एंड गाइस इवनिंग में मैं फिर वीडियो एडिट कर सोने के लिए चला जाता हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलना। बाकी राहुल शर्मा ब्लॉग्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फुल वीडियोस के लिए। थैंक यू।